ये प्री बोर्ड 2021-22 का क्लास 12 के मैथमेटिक्स से ये क्वेश्चन पेपर है एमपी बोर्ड का। आज हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 22 सेकंड सॉल्व करेंगे। रेखा एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट टू द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के छोटे वृत्त का छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले यदि वृत्त का समीकरण दिया गया और ये रेखा है, हम इसके इस प्रकार डायग्राम बना सकते हैं। ये दो के दोनों अक्ष के सापेक्ष सममित है। ये एक रेखा है, इस बिंदु पे एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट टू पर है और दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु उसको निकालेंगे हम यहाँ पास। इस वृत्त का जो केंद्र है वो जीरो जीरो, उसकी जो त्रिज्या वो ए है और वृत्त जो है वाई अक्ष के सापेक्ष, वृत्त जो है वाई अक्ष के समांतर वो है और x से ए अपॉन रूट टू दूरी पे है, बिंदु है ये। अब क्या करेंगे, x का जो बिंदु है वैल्यू का हम एक एक में रखेंगे तो हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। अब इसको ए स्क्वायर अपॉन टू का हम राइट में पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू यानी ए स्क्वायर अपॉन टू। वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर टू प्लस माइनस ए अपॉन रूट टू। तो यहाँ देखना दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा रेखा और वृत्त को हो जाएगा ए अपॉन रूट टू और ये हो जाएगा ए अपॉन रूट टू। अब जो क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों का अभीष्ट जो क्षेत्रफल होगा वो जाएगा टू इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगी ए अपॉन रूट टू से लेके ए तक क्योंकि इसका जो रेडियस ए है और वाई डी एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे पहले एक्स स्क्वायर को हम राइट में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों को जब वर्गमूल लेकिन स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर टू ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू इसमें रखेंगे तो हो जाएगा टू आ जाएगा यहाँ पर टू इंटीग्रेशन ए अपॉन रूट टू से लेके ए तक रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और इसकी जो वैल्यू है वो होती है वन अपॉन टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू ए स्क्वायर साइन इनवर्स एस अपॉन ए और इसका जो लिमिट है ए अपॉन रूट टू से लेके ए तक है। पहले ए की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा हमको यहाँ एक्स के स्थान में ए रखना है तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ रखेंगे ए अपॉन यानी वन हो जाएगा और हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू। टू यहाँ दिया हुआ है टू टू यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे पहले को रखते हैं यहाँ पास तो हो जाएगा टू। यहाँ जब ये रखी थी पूरी बार जीरो हो जाएगी, यहाँ जो बचेगा यहाँ पास वो बचेगा ए स्क्वायर अपॉन टू और हो जाएगा साइन इनवर्स ए अपॉन ए। अब इस लिमिट को रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन टू रूट टू रूट ए स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू ये हो जाएगा यहाँ पास यानी ए स्क्वायर अपॉन टू यहाँ रहेगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ए अपॉन रूट टू, ए भी रहेगा नीचे यहाँ पास ए अपॉन रूट टू, ये नीचे दिया हुआ है यहाँ पास तो ये यहाँ से कैंसिल होगा या इसको ऐसा ले सकते हैं वैल्यू को, ये हो जाएगा टू इंटू ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए अपॉन यानी वन हो जाएगा माइनस ए अपॉन टू रूट टू ए स्क्वायर यानी हो जाएगा यहाँ जो वैल्यू है ये टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
दो से घटाएंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर अपॉन टू, यानी इसको लिख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू कौन हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, और यहाँ जो वैल्यू है ये ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टू टू यहाँ से कैंसिल होगा, या साइन इनवर्स वन बाई टू इसको ऐसा करें टू ए स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, साइन इनवर्स वन कर सकते हैं पाई बाई टू, और इधर हो जाएगा जब इसके स्क्वायर वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा ए आएगा, और ए गुणा करेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट टू में आएगा तो टू रूट टू इंटू रूट टू, और माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन बाई टू, यानी साइन थर्टी जो वैल्यू है वो वन नहीं साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाई रूट टू होती तो इसको लिख सकते हैं आप पास हम पाई बाई फोर, यानी ए स्क्वायर अपॉन टू, और ये हो जाएगा पाई बाई फोर। अब इसका मल्टीप्लाई कैसा करें तो ये हो जाएगा टू टू यहाँ से कैंसिल होती बचेगा पाई ए स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ से बचेगा ये रूट रूट इसका रूट रिमूव हो जाएगा तो टू यानी फोर हो जाएगा यहाँ पास, तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन एट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगी यहाँ पास इसको कैसे करेंगे माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन एट प्लस पाई ए स्क्वायर अपॉन, इसको यदि सिंप्लीफाई करें या इसको यदि यहाँ चिन्ह लगाएं तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखते हैं यहाँ पास वैल्यू हो जाएगी माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर, दोनों का एलसीएम एट ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर माइनस दो चौक आठ पाई ए स्क्वायर, यानी माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर या हो जाएगा घटाएंगे पहले तो हो जाएगी माइनस थ्री, और माइनस वन से पहले हो जाएगी थ्री थ्री पाई ए स्क्वायर अपॉन एट, इसकी वैल्यू आ जाएगी या इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं वैल्यू को थ्री पाई ए स्क्वायर अपॉन एट माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर, ये वर्ग इकाई ये अभिष्ट इसका ये क्षेत्रफल हो जाएगा जो हमको याद करना था इसमें। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 23 अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई उसका डी एक्स प्लस टू एक्स डी वाई है टू एक्स वाई डी वाई स्क्वायर जीरो का व्यापक हल ज्ञात करो, ये दिया गया अवकल समीकरण है पर इसको सेपरेट करते हैं डी एक्स और डी वाई को सेपरेट करते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे पहले डी वाई बाई डी एक्स इस प्रकार लिखा जाए इसको इसको इसमें डिवाइड करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको यदि पक्षांतर करते हैं बराबर की दूसरी होती है प्लस ये जो भाई माइनस में जाएगा तो ये लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई, ये एक समघात होकर समीकरण की ये सभी सभी की घात बराबर हैं एक्स वाई के दो दो घात के हैं, यदि यदि कोई यदि अवकल समीकरण यदि अवघात समघात अवकल समीकरण होता है तो हम इसको इस प्रकार से वैल्यू को लिखते हैं वाई स्क्वायर टू बी एक्स को सपोज करते हैं। अब इसका दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई स्क्वायर टू बी इंटू बी प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यानी दो फंक्शन इसका जब दो फंक्शन के गुणनफल का अवकलन करते हैं तो पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन पहले फंक्शन का अवकलन हो जाएगा बी इंटू एक्स का अवकलन वन होता है प्लस एक्स और डी वी डी अपॉन डी एक्स। अब इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो हो जाएगा
डी वाई बाई टी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई। तो ये इस वैल्यू को यहाँ रखें तो हो जाएगा बी प्लस एक्स डी बाई डी वी पॉइंट डी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर भी। एक्स स्क्वायर से कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा तो ये बचेगा वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू भी। इस भी को राइट में ले जाएंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स डी बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू माइनस वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू बी माइनस बी। और इसको सिंप्लीफाई करके हो जाएगा माइनस टू बी स्क्वायर इसका सर करें माइनस वन माइनस बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन टू भी। क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है तो ये जो वैल्यू यहाँ पास ये माइनस से प्लस बन जाएगा ये इसकी वैल्यू आ जाएगी टू से वन घटाएगा तो माइनस बी स्क्वायर यानी वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू भी। अब इसको डी बी को डी बी के साथ में लिखते हैं एस के एस के साथ में तो जब इसको हम क्या करेंगे इसको इधर लाएंगे तो ये इसका डिनोमीटर न्यूमीटर आपस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी टू बी अपॉन वन माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पास क्या किया गया माइनस को कॉमन किया गया तो वन प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स इसको जब इधर लाएंगे तो ये डी एक्स अपॉन एक्स के रूप में हो जाएगा तो यह माइनस का साइन पहले से लगा हुआ है। अब दोनों पक्षों को समाकलन करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी बी अपॉन टू बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस अपॉन डी बी स्क्वायर टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग सी। लॉग सी एक कॉन्स्टेंट होता है क्योंकि जो समाकलन इसको हम अनिश्चित समाकलन यानी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती इसका हमें कॉन्स्टेंट यहाँ लिखना पड़ता है। अब हम क्या करें यहाँ पास यदि वैल्यू को हम पुट करें भी उसका प्लस यदि टी पुट करते हैं सो यदि वैल्यू को ये टू बी अपान बी स्क्वायर प्लस वन टी भी यदि हम बी स्क्वायर प्लस वन यदि टी पुट करें तो इसका जो अवकलन होगा हो जाएगा टू बी डी बी अपान डी टी स्क्वायर टू डी टी है इसका सलूशन ये हो जाएगा। तो ये जो पूरी वैल्यू है टू बी डी बी यानी इसका सलूशन टू बी डी बी स्क्वायर टू ये डी टी है यहाँ पास ये हमने गलत लिखा है टू बी डी बी अपान यहाँ हो जाएगा टू बी डी बी स्क्वायर टू ये डी टी हो जाएगा। अब इस वैल्यू की वैल्यू के कॉलम इस वैल्यू को डी टी को लिखेंगे और ये जो वैल्यू भाई है वैल्यू टी में कन्वर्ट होगा तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पास वैल्यू को ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी डी बी अपान या ये डी टी हो जाएगा डी टी अपान टी और वन अपान टी का जो समाकलन होता है लॉग टी होता है यानी लॉग एक्स तो लॉग टू टी की जो वैल्यू पास हमने क्या माना था बी स्क्वायर प्लस वन तो हो जाएगा लॉग बी स्क्वायर प्लस वन इसक्वल टू और वन अपन उसका लॉग एस तो माइनस लॉग एस प्लस लॉग सी। क्योंकि लॉग के रूप में वैल्यू करें तो हमने इसको कॉन्स्टेंट को लॉग के रूप में इसको लिखा है तो हो जाएगा लॉग बी वाई बी की वैल्यू हमने क्या माना था यहाँ पास बी की जो वैल्यू है वाई अपान एक्स हो जाएगा लॉग वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन यानी माइनस लॉग एस प्लस सी प्लस हो जाएगा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इसको ध्यान लेंगे तो इतना से प्लस हो जाएगा तो लॉग स्क्वायर लॉग सी। अब इसको हम लिखेंगे लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है फार्मूला क्या है पास लॉग एम प्लस लॉग एन को लिख सकते हैं हम लॉग एम एन के रूप में यहाँ पास आ जाएगा लॉग एक एक्स यहाँ से कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू लॉग सी। अब दोनों से लॉग को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू सी। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू सी एक्स ये भी सबका समीकरण ये हल हो जाएगा। सेकेंड नंबर आपका समीकरण टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर जीरो को हल करो। यहाँ देख रहे हैं उपल समीकरण है पहले हम डी वाई डी एक्स को अलग अलग करेंगे तो
ये हो जाएगी हमारे पास टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पास से माइनस का साइन होना चाहिए तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं टेन इनवर्स वाई माइनस डी वाई इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब इसको लिखते हैं हम डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में, यानी इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। ये हमको देख रहे हैं आप पास इस इक्वेशन से मिलता जुलता है ये डी एक्स अपॉन डी वाई, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा तो एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। इस रूप में डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू की वन के रूप में, यदि ऐसा कोई अवकल समीकरण आता है तो वो रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर वो जो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे ये एक्स वन अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स है तो पी वन को लिखेंगे यहाँ पास हम वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर और क्यू वन को लिखेंगे टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो फिर इसका समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ इसका टू ई पावर पी डी वाई, तो पी की जो वैल्यू पी वन की वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और इसका जो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन वो टेन इनवर्स एक्स होता है, क्योंकि यह वाई दिया हुआ है तो यह टेन इनवर्स वाई आ जाएगा तो एक ही बार टेन इनवर्स वाई। अब इसका जो अभीष्ट हल होता है उसका समीकरण जो होता है एक्स आई एफ इसका इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी वाई, तो एक्स की वैल्यू जो है वाई एफ की वैल्यू नहीं ये निकाले यहाँ रखेंगे क्यू की वैल्यू यहाँ पास हम इसको लेंगे क्यू की वैल्यू को ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई पावर टेन वाई टेन इनवर्स वाई डी वाई। पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका टू आई इसका इंटीग्रेशन टी टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर एक ही पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई। हम पहले बार टेन इनवर्स वाई को टी पुट करेंगे तो इसका जो अवकलन होता है वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी, और इस वैल्यू को हम डी टी क्यूब को लिखेंगे तो हो जाएगा यानी हमने टेन इनवर्स वाई को टी पुट किया है तो टी फिर एक ही पावर टी अपॉन डी टी हो जाएगा। अब एक ही दो फंक्शन है दो खंडसा समाकलन का प्रयोग करेंगे तो पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का समाकलन माइनस समाकलन पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ये फार्मूला होता है तो एक ही पावर टी की पावर एक ही पावर टी होगा और टी का वन होता है तो एक ही पावर टी फिर इसका जो समाकलन करते हैं एक ही पावर टी ही आएगा टी कॉमन एक ही पावर टी कॉमन करेंगे तो हो जाएगा एक ही पावर टी इंटू टी माइनस वन। इस वैल्यू को हम रखेंगे एक इस इक्वेशन में रखेंगे वैल्यू को दो में रखेंगे तो हो जाएगा एक्स डी की पावर टेन इनवर्स वाई डी की पावर टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स वाई माइनस वन। यहाँ पर टी की हमने वैल्यू रखा है क्योंकि टी की हमने वैल्यू क्या सपोज किया था टेन इनवर्स वाई, ये हमने वैल्यू सपोज किया था यहाँ पास प्लस कॉन्स्टेंट सी रहेगा। अब क्या करेंगे पावर टेन इनवर्स वाई को यदि इसमें डिवाइड करते हैं तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये पूरी से कैंसिल होगा और यहाँ जो हो जाएगा इसको डिवाइड करेंगे और जब इसको तो इस रूप में ये वैल्यू आएगी टेन इनवर्स वाई ये कैंसिल टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी अपॉन ए की पावर टेन इनवर्स वाई, जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस ए माइनस हो जाएगा ये तो यही जो है दिए गए समीकरण का अवकल समीकरण का अभीष्ट व्यापक हल होगा। इस प्रकार हम लोगों ने आज प्री बोर्ड 2021-22 की मैथमेटिक्स का क्लास 12 हमने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। यदि आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि पहली बार चैनल को देख लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हम इस क्लास और इस विषय संबंधित जो भी वीडियो बनाएं उसका मैसेज या उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।